नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की पहली 8 टायर वाली गाड़ी का रिव्यू करके दिखाएंगे जो कि अशोक लीलैंड ने कुछ समय पहले ही लॉन्च की है। यह गाड़ी कई वेरिएंट के साथ आती है और इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए ट्रक जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ये गाड़ी आपको केबिन विद चेसिस में और काउल में भी मिलती है। केबिन विद चेसिस में आपको इसके 3 वेरिएंट मिलते हैं, एम केबिन, एन केबिन और यू केबिन। सामने से गाड़ी का लुक काफी शानदार दिया गया है, ऊपर ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया हुआ है, बड़ी विंडशील्ड दी गई है और उसे साफ रखने के लिए 2 वाइपर दिए गए हैं। इनके नीचे दी गई है अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग और इसके नीचे फ्रंट ग्रिल पर कंपनी का लोगो दिया हुआ है। गाड़ी के पीछे का व्यू देखने के लिए 2 ORVM दिए गए हैं। दोस्तों, इस गाड़ी का बम्पर काफी मजबूत दिया गया है और यह देखने में भी काफी आकर्षक होता है। बम्पर में डबल हेडलाइट्स दी गई हैं और साथ ही में इंडिकेटर्स व रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। एक और बम्पर आपको इसके नीचे देखने को मिलता है। अगर आप ट्रकों से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो www.trucks.tractorjunction.com पर लॉगिन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और ये सभी जानकारी आप ट्रक जंक्शन के मोबाइल ऐप पर भी पा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें ट्रक जंक्शन का मोबाइल ऐप। इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में आपको स्लीपर केबिन देखने को मिलता है। केबिन को काफी आरामदायक और सुविधाजनक बनाया गया है। दोस्तों, आपने इससे पहले 6 टायर व 10 टायर में काफी गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन यह पहली गाड़ी है जो 8 टायर के साथ आती है। इसमें आपको ड्राइव एक्सल के साथ ही एक लिफ्ट एक्सल भी देखने को मिलता है। इस गाड़ी का GVW 25,500 किलोग्राम का होता है। इसका फ्रंट एक्सल वेट 7 टन का होता है, लिफ्ट एक्सल वेट भी 7 टन का होता है और रियर एक्सल वेट 11.5 टन का होता है। इसकी पेलोड क्षमता 17.5 टन की होती है। चलिए बात करते हैं इसके इंजन की। इस गाड़ी का इंजन iGen6 तकनीक के साथ आता है जो कि H सीरीज का BS6 इंजन होता है। यह अपनी 197 हॉर्स पावर की ताकत 2400 RPM पर उत्पन्न करता है और इसकी 700 न्यूटन मीटर की टॉर्क 1200 से 1900 RPM पर मिलती है। 380 mm के डायमीटर वाली क्लच दी गई है जो कि एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ आती है। 6 स्पीड वाला सिंक्रोमस गियरबॉक्स दिया गया है। एक्सल की बात करें तो इसका अगला एक्सल फोर्ज्ड आई सेक्शन रिवर्स एलियट टाइप का दिया गया है और पिछला एक्सल फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड टाइप का होता है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट सस्पेंशन सेमी एलिप्टिकल मल्टी लिफ्ट टाइप का मिलता है और साथ ही ऑप्शन मिलता है पैराबोलिक स्प्रिंग्स का। रियर सस्पेंशन सेमी एलिप्टिक विद हेल्पर स्प्रिंग वाला दिया गया है। इसका चेसिस HSS मटेरियल के साथ बना होता है और यह काफी मजबूत होता है। ABS और ऑटो एग्जॉस्ट ब्रेक के साथ फुल एयर ड्यूअल लाइन ब्रेक दिए गए हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का काफी मजबूत फ्यूल टैंक दिया गया है जिसकी क्षमता 375 लीटर की होती है। साथ ही 48 लीटर का DEF टैंक दिया गया है। इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करें तो इसमें 24 वोल्ट व 120 AH की बैटरी दी गई है और AC वाले वेरियंट के लिए 150 AH की बैटरी मिलती है। AC का ऑप्शन आपको N केबिन व U केबिन में मिलता है। टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 295/90 RB की साइज के टायर मिलते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी की चौड़ाई 2570 mm की होती है। इसकी लोड बॉडी के लिए आपको कई ऑप्शन मिलते हैं जो कि 7.4 मीटर से 9.7 मीटर तक होता है। इसकी लंबाई, ऊंचाई, व्हील बेस और टर्निंग सर्कल डायमीटर आपको लोड बॉडी के साइज के हिसाब से अलग अलग मिलते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गाड़ी को आप ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स में, लॉजिस्टिक्स व पार्सल में और टैंकर में मार्केट लोड में काम में ले सकते हैं। इस गाड़ी की वारंटी और कीमत की बात करें तो इसमें आपको 4 साल या 4 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है और इसकी कीमत 30,15,000 रुपये से 32,15,000 रुपये तक होती है। दोस्तों, आपको अशोक लीलैंड की यह 8 चक्का गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। किसी और गाड़ी के रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए ट्रक जंक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।